दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हो। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, उस महान वैज्ञानिक का नाम सर आइजक न्यूटन है, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है जो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक दिन में 10 से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसके माथे पर एक गहरी रेखाएं नजर आने लगती। तो अगली बार जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसके माथे पर गहरी रेखाएं हो, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति स्मोकिंग का आदी भी हो सकता है, पर हर व्यक्ति ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पृथ्वी का जुड़वान किस ग्रह को कहते हैं? अगर आप बता सकते हो तो नीचे कमेंट में जल्दी लिखो। खैर, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, उस ग्रह का नाम शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के जैसा है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के जितना ही है। फिर भी यहाँ जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसका औसतन तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर एक साल के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप पृथ्वी पर एक साल रहते हो तो शुक्र ग्रह पर वो एक दिन माना जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे शरीर की सबसे पतली त्वचा हमारे आँखों पर होती है, जो कि 0.2 से लेकर 0.5 mm पतली होती है। वहीं अगर बात करें शरीर की सबसे मोटी त्वचा के बारे में, तो हमारे शरीर में सबसे मोटी चमड़ी हमारे तलवों की होती है, जिसकी मोटाई करीब 5 mm तक होती है। दोस्तों, आसमान में तैरते हुए बादलों को तो आपने जरूर ही देखा होगा, तो क्या आपने कभी सोचा है या जानने की कोशिश की है कि बादलों की रफ्तार कितनी हो सकती है, यानी बादल किस गति से दौड़ते हैं? तो आपको बता दूं कि बादल 146 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हैं, यानी एक बादल को दिल्ली से मुंबई पहुँचने में सिर्फ 9 घंटे का समय लगेगा। उम्मीद है कि आप बादलों की स्पीड समझ गए होंगे। क्या आप जानते हो साल 1893 में पहली बार हार्ट सर्जरी हुई और 1950 में पहली बार सफलतापूर्वक कृत्रिम वाल्व डाली गई, और फिर साल 1967 में पहली बार किसी इंसान का दिल दूसरे इंसान में डाला गया। ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि दिल के धड़कन को मापने वाली मशीन ECG को मापने वाली मशीन का आविष्कार साल 1903 में विलियम एंथोवेन ने किया था। दोस्तों, खेल खेलने में अक्सर हमें चोट लग जाती है, तो इसी से संबंधित एक फैक्ट है। क्या आप जानते हो कि खेल में लगने वाला हर 7 में से एक चोट पैर पर लगता है? क्या आप इस बात से सहमत हो? वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, कहते हैं कि बंदर जितना शरारती कोई जानवर नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हो बंदर जितना शरारती होता है वह उतना ही ज्यादा चालाक भी होता है। तो क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा बंदर देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे छोटा बंदर। यह इतना छोटा होता है कि यह इंसान की हथेली पर भी आ सकता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह एक उंगली में समा सकता है। इस बंदर का नाम पैगी मार्मोसेट है और इसकी लंबाई करीब 4 इंच होती है, जिसका वजन 100 ग्राम तक होता है। और अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो यह करीब 12 वर्ष तक जीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, जिसे एवियोफोबिया कहते हैं। यहाँ फोबिया का अर्थ डर लगने से होता है। तो क्या आपको ये फोबिया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन लोगों को उड़ने में मजा आता है वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये एक फन फैक्ट है कि मच्छर उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केला को खाया हो। दोस्तों, अगर आपको एक भी फैक्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं।